बोट स्टैंड 1200F है जो कि आज इसका हम टेस्ट करने वाले वाटर टेस्ट। वाटर प्रूफिंग की जो बात करें ना, तो कंपनी स्पीकर में ज़्यादातर IPX5 IPX6 देता है, जो कि इसमें हाई रेटिंग के साथ जो आता है IPX7। IPX7 देने का मतलब ये होगा कि जो स्पीकर है फुल वाटर प्रूफ है, आपका मतलब इससे पानी का असर नहीं होगा, अंदर पानी नहीं जाएगा, ये बजेगा। तो हम लोग दो तरीके से टेस्ट करेंगे, एक होगा लेवल 1, एक होगा लेवल 3। तो लेवल 2 हम लोग नहीं करेंगे। लेवल 1 में ही होगा कि इसमें इसके ऊपर पानी डाला जाएगा, अंजली से चाहे कोई भी चीज़ से इसे पानी डाला जाएगा, देखा जाएगा मतलब क्या इसका स्थिति है। लेवल 3 में होगा कि सीधा इसको हम लोग पानी के अंदर एकदम पूरा डुबा कर इसको नहलाएंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं, उनको प्ले करते इसको पानी में डालना होगा तो क्या इसका स्थिति रहता है। इसमें साउंड बज रहा है क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर पानी डाला जाएगा। जो इसका ये फाइबर है इस पर पानी चला गया है, इसलिए पानी को बाहर निकाल रहे हैं क्रॉस, तो इसके वजह से इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है। ये जो क्लॉथ है इसमें देखिए पानी भर गया पूरा, आवाज़ को नहीं दे पा रहा है। देखते हैं और पूरा हम पानी से भिगो दिए तो पर भी ये बज रहा है, इसको देखते हैं इससे पानी गया है कि नहीं। इसे तो डालते हैं, ये जो इसका क्लॉथ है ना, ये पानी की वजह से पूरा मतलब जम हो गया थोड़ा, इसकी वजह से ये आवाज़ को नहीं बाहर निकाल पा रहा है, पर ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा, बाद प्रूफ ही लाउड हो जाएगा इसका। देखते हैं इसमें पानी गया है कि नहीं, बिल्कुल एक बूंद ही पानी नहीं गया है दोस्त। देख लीजिए आप, इसको लेवल 3 वाला टेस्ट करते हैं, फिर इसको पूरा अंदर भिगो करके ला कर देखते हैं ये बचता है कि नहीं। ये देखिए ये जो है पूरा पानी में डूब गया है, लाइट जल रहा है। देखिए ये पानी के प्रेशर के चलते ये रेडिएटर जो है ना बाहर फेंक रहा है, उधर से प्रेशर बन रहा है इधर रेडिएटर से बाहर फेंक दिया। इसको पूरा एक्सट्रीम टेस्ट हो गया इस आज इसका जो है ना IPX7 का पता चल जाएगा हमको कि क्या दे रहा है। खैर इतना टेस्ट तो नहीं करना चाहिए, बट देखते हैं किस लेवल तक ये मतलब पानी इसमें बर्दाश्त कर रहा है, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सॉन्ग तो लग रहा है बंद हो गया, शायद इसका मोड चेंज हो गया होगा, नहीं तो और हो सकता है बटन शॉर्ट कर रहा होगा। नहीं जी सॉन्ग बज रहा है, तो FM मोड पर चला गया भाई, बिल्कुल सही है ये, मतलब पानी में डालने के बाद भी लेवल 3 के बाद भी ये मतलब सही वर्क कर रहा है। इस कहीं पर ही पानी नहीं गया है ना चार्जिंग पोर्ट में, हम देख लिए कहीं भी इसमें पानी नहीं गया, आपको सीधा बजा कर दिखा रहे हैं, देख लीजिए आप एकदम बिल्कुल सही बज रहा है। जैसे जैसे पानी निकल जाएगा ना दोस्त ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बज रहा है भाई, कोई इसमें दिक्कत नहीं, इतना पानी में डालने के बाद भी ये सरवाइव कर गया, बहुत बड़ी बात है भाई। हम आपको शुरू में बताते हैं कि लेवल 1 होगा, एक लेवल 3 टेस्ट होगा, जो कि दोनों टेस्ट ये पास कर गया बोर्ड का, जो इसमें IPX7 रेटिंग दिया गया है, बिल्कुल मतलब सही तरीके से काम करता है बोर्ड की तरफ से, हमको बहुत अच्छा लगा ये स्पीकर में जो रेटिंग दिया गया है। तो लेवल 3 में इसको पूरे पानी के अंदर पूरा अंदर डाल दिया गया, तब पर भी ये सर्वाइव कर गया पानी के अंदर स्पीकर, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए जो इसमें वाटर प्रूफिंग दिया गया है तो बिल्कुल परफेक्ट तरीका से काम करता है, ऐसा नहीं कोई आपको झोल मकड़ा दे दिया गया है,
तो आप इसको बिना डर भय का कहीं पानी पे पानी वगैरह में लेकर जा सकते हैं। पर आप उतना एक्सट्रीम टेस्ट मत कीजिएगा। वो उसके लिए मान लीजिए क्या करना, हम तो टेस्ट करने के लिए आपको बता दिए कि चलिए सर्वाइव कर गया। थोड़ा लगेगा आपको कि साउंड शायद ख़राब हो गया, बट जो क्लॉथ है ना इसके ऊपर पानी जो इसमें जैसे ही भरेगा तो ये मतलब इसका जो परमाणु है सड़ जाएगा आपस में ना, तो इसके वजह से ये साउंड को उतना अच्छे तरीके से बाहर नहीं फेंक पाता। जैसे जैसे पानी सूखेगा थ्रो कर देगा पानी को साउंड के माध्यम से वाइब्रेशन से, तो ये आपका ऑटोमेटिक साउंड इसका लाउड हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल ये एकदम 100% वर्किंग है, कहीं पर भी इसमें पानी नहीं आएगा। शायद हो सके अगर बाद में ख़राब हो जाए तो हमको अपडेट कर देंगे, बट हमें तो नहीं लगता कि पानी अंदर गया होगा, क्योंकि पानी भाई चीज़ है, जाएगा तब ये जाएगा। तो भाई कुछ ऐसा है कि इसके अंदर पानी चला गया है, इसके अंदर जो बटन वगैरह है समय पानी चला गया है। आधा घंटा एक घंटा जब हुआ ना भाई, तो ये अपना रूप दिखाने लगा पानी वाला, तो ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। शायद आपको ये नज़र आ जाए, हम जूम कर देते हैं, देखिए वो अंदर पानी जो दिख रहा है हमको थोड़ा थोड़ा बूंदा बूंदा, ये अंदर पानी गया हुआ है। तो इसके अंदर पानी चला गया है, अब कहाँ से गया है हमें तो पता नहीं है। अब तो हम सीधा इसको टेस्ट कर रहे थे, तो ये अपने से अब ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, तो इसके अंदर पानी चला गया, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाया। शायद लेवल 1 जो टेस्टिंग था ये सर्वाइव कर पाता, पर लेवल 3 में ये फेल हो गया। जो पानी का बुझबुझी दे रहा था इसके अंदर, मतलब पानी जा रहा था, तो भाई ये टेस्ट में फेल हो गया। हम सोचे कि पास हो गया, पर आधा घंटा होने के बाद ये पानी ऑटोमेटिक जो जब पोर्ट्स वगैरह है ना उसके पास गया होगा, तो ये ऑफ हो रहा है, ऑन रहा ऑटोमेटिक, बटन वगैरह भी काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो इसका ये जो है शायद JBL का वगैरह का जो रहता है वो उसका वाटरप्रूफ सही रहता है, वो सब नहीं होता है, पर ये जो बोट में दिया गया है थोड़ा चैलेंज लगा मुझे। चलिए तो ठीक है।